नमस्कार दोस्तों, मैं तपनीता शो में फिर से अपने आपके सामने लेकर आई हूँ अपना एक नया वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में आप खुद से आई मेकअप कैसे करें, कैसे आप आई शेडो लगाएं, कैसे आप आईब्रो को शेप साइज में करें, और कैसा कैसे अगर आप शादियों में या किसी पार्टी में जा रहे हो तो फिर आप उसका आई मेकअप कैसे करें। दोस्तों, तो देर न करते हुए चलते हैं, आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से आंखों का मेकअप किया जाता है। तो दोस्तों, आंखों के मेकअप के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा तीन से चार चीजें, जिसमें एक होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है पाउडर, पाउडर कॉम्पैक्ट नहीं, पाउडर ऐसे पाउडर जैसा होता है वो, और तीसरा होता है आई शेडो, कौन से आप ड्रेस पहन रहे हो, ड्रेस से मैचिंग या ड्रेस से कॉन्ट्रास्ट, इस तरीके से आपको कंपेयर करके अपने आई मेकअप को अच्छे लुक से देना होगा। अपना अपने आई शेडो के कलर को आपको चुनना होगा अपने ड्रेस के कॉन्ट्रास्ट से। तो दोस्तों, चौथी बात हो गई, और आपके लिए एक जरूरी चीजें हैं कि वो है आईब्रो पेंसिल। अगर आईब्रो पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आई शेडो से ही उसे आप लगा सकते हो। और पांचवा है आपका काजल या आईलाइनर, जो भी आप यूज करते हो। चाहे मैं तो दोस्तों मैं आईलाइनर ज्यादा यूज नहीं करती, और मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगी कि दोस्तों आप आईलाइनर कम से कम इस्तेमाल करें, काजल इस्तेमाल करें, काजल अच्छी कंपनी का काजल हो। मैं तो जो कंपनी का इस्तेमाल करती हूँ, मैं सालों से इस्तेमाल करती आई हूँ, और वो काफी चीप भी पड़ता है, काफी कम बजट में आता है, और लेकिन मेरे आंखों को वो शुरू से मैं लगा रही हूँ, काफी अच्छा सूट करता है, कभी वो मैच नहीं होता है कहीं भी। 24/7 मैं काजल कैरी करती हूँ, तो वो काजल मैं अपने ब्रांड का लगाती हूँ। दोस्तों, तो चलते हैं मेकअप की ओर। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में बता रही हूँ कि पहले आप अपने आंखों में फाउंडेशन लगाएं, इस तरह से आप डॉट 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 करके आप अपने आंखों के ऊपर एक उंगली से डॉट डॉट दे और दूसरी उंगली से उसे मिलाते जाए, क्योंकि फाउंडेशन जो होता है बहुत जल्दी सूखने वाला होता है। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फाउंडेशन लगाने के से पहले अगर आप गर्मियों में फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो उसमें गुलाब जल मिला लो या हल्का पानी, तो आपको अगर वो सूखने लगे तो गुलाब जल या पानी से आप उसे भिगोकर और थोड़ा उसको अपने स्किन में आप मिला सकते हो। मैंने यहाँ पर मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ और दूसरी उंगली से उसे मिलाते जा रही हूँ दोनों आंखों में। इस तरीके से मिलाने के बाद आप उसमें मिला दे, आप उसके ऊपर से पाउडर लगा। दोस्तों, पाउडर किसी भी कंपनी का अच्छा होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाने होते हैं। मैं सिंपल पाउडर यूज करती हूँ और वो मुझे काफी अच्छा लगता है, तो मैं वो पाउडर यूज करी हूँ, वो भी बहुत लिटिल क्वांटिटी में, बहुत हल्के में, एक दो चुटकी लेकर उसको ऊपर से, ताकि वो उसका लुक काफी अच्छा आ जाए। और फाउंडेशन और पाउडर लगाने के लिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं कि आप आई शेडो आप कैसे लगाए। तो आई शेडो के लिए आपके पास आई शेडो का एक ये अच्छा कलेक्शन होना चाहिए। मैंने मेरे पास जो है, मैं आपको वो दिखला रही हूँ, इसमें आप सेट सेलेक्ट कर ले। जो मैं सेट आपको दिखला रही हूँ, एक क्रीम कलर में है और एक डार्क येलो में है, तो उसको मैं अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी। पहले अपने आईब्रो के नीचे लाइनिंग को मैं उस येलो कलर से अपने स्किन टोन को मैच करता हुआ आप ले ले। हल्का ग्रे कलर का भी है और येलो भी है और डार्क येलो भी है, तो अगर आपका जो भी कॉम्प्लेक्स है उससे मिलता जुलता थोड़ा उससे एक शेड ऊपर ही आप लेकर आप उसे, तो मैं यहाँ पे येलो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। येलो कलर के बाद मैं उसे आईब्रो के ऊपर लाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आप दोस्तों अपने ड्रेस से मैच करता हुआ जो भी कलर आप पहन रहे हो, या तो आप मैचिंग या तो कॉन्ट्रास्ट, जो ही आप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से। मैंने अभी ब्लैक पहन रखा है, तो मैं इसे ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन करूंगी, ताकि वो मैचिंग भी हो जाए और कॉन्ट्रास्ट भी हो जाए और आई का लुक काफी अच्छा है। तो दोस्तों, मैं आपको कह रही थी कि किस तरीके से आप अपने आईब्रो के ऊपर रेड कलर से मैंने पहले लगाया है लाइनिंग, उसके बाद मैं आई के किनारे को ब्लैक कलर से तिरछा करके जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप अप्लाई कर रही हूँ। आप देखो कि आप अपने आंखों के किनारे को लेकर आप उसे अच्छी तरीके से लगा रहे हो। अगर आपको किनारे का शेडिंग करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप उसमें एक पेपर टेप आता है उसे आप दोनों साइड में चिपका लो, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखला रही हूँ। चिपकाने के बाद आप आई शेडो को अप्लाई कर सकते हो। आई शेडो अप्लाई करने के बाद दोस्तों
आप ये टेंशन फ्री रहेगा टेप लगाने के बाद कि आपका बाहर फैलेगा भी, तो फिर आप उसे अंत में जब बुखार होगे तो वो आपका शेप और साइज में आएगा दोस्तों। तो अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैं अपने हाथों से के यूज से ब्रश को यूज कर रही हूँ और हाथ किस किस तरह से मेरे चल रहे हैं वो आप गौर से देखो कि किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। मैंने पहले अपना साइड कॉर्नर किया है, कॉर्नर को डार्क शेड मैंने ब्लैक रंग से लगा हुआ है। डार्क शेड लेकर मैंने ब्लैक ग्रे, आपके पास अगर ब्लैक नहीं हो तो ग्रे ले ले, आप स्लेटी कलर हो वो भी आप ले सकते हो। तो इन कलरों से आप किनारा को आप कर ले और उसके बाद आप बीच का कलर में मैंने रेड लिया है कॉन्ट्रास्ट ब्लैक के साथ, मुझे रेड अच्छे लगते हैं तो मैंने रेड लिया है। आप रेड के साथ आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रास्ट यूज कर सकते हो। तो रेड लेने के बाद मैंने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया है। पहले हल्का लाइट रेड मैंने इस्तेमाल किया है जो आपको स्क्रीन पे ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे। उसके बाद मैंने डार्क रेड लिया है, डार्क रेड लेने के बाद मैं उसके ऊपर से हल्का हल्का येलो सेट दे रही हूँ, बीच जहाँ पे हमारे आई बॉल्स होते हैं वहां पे मैं हल्का येलो का सेट दे रही हूँ ताकि आई शेडो का लुक काफी अच्छा आए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप लगाओ, उसे अप्लाई करो, आप जिस काफी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा आपको थोड़ा मेहनत लगेगा अगर आपने हो, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देखकर आप अगर आई शेडो लगाओगे तो आपका हाथ थोड़ा चलने में दिक्कत होगा, फिर भी कोई बात नहीं है, कोई भी काम पहली बार ही होता है। तो आप देखो जिस तरीके से मेरे हाथ चल रहे हैं, आप उस तरीके से हाथ को इस्तेमाल करते हुए अपने आंखों में मेकअप करके काफी अच्छे तरीके से देखो यहाँ पे आई शेडो लग चुके हैं। और आप अभी देख सकते हो गौर से, मैं आपको बड़ा स्क्रीन करके मैं दिखला रही हूँ कि किस तरीके से अब आप हमारे आंखों का लुक आया है दोस्तों। आंखों के आई शेडो लगाने के बाद आप बारी आती है आपको काजल लगाने की। तो आंखों के मेकअप में पहले आई शेडो लगता है, उसके बाद काजल लगता है। तो काजल आप आईलाइनर मैंने कहा कि मैं नहीं यूज करती हूँ, अगर आप लोग यूज करते हो तो आप यूज कर सकते हो, मैं तो काजल यूज कर रही हूँ और मैं हमेशा से जो यूज करती हूँ। तो मैं देखो आप मैं किस तरह से काजल अप्लाई कर रही हूँ घरेलू तरीके से, और मैं जो सारी चीजें बताती हूँ वो खुद से करने के लिए, जैसे सेल्फ थ्रेडिंग हो, सेल्फ मेकअप हो, सेल्फ आप शादियों में कैसे जा रहे हो, मेरा आप जो भी वीडियो देखोगे सब कुछ सेल्फ से करने होते हैं, कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं है। प्रोफेशनल तो आप ब्यूटी सैलून में जाकर करवा ही सकते हो, लेकिन घर में खुद से करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरीके से आप आई मेकअप करो। तो देखो किस तरीके से काफी अच्छा लुक आ गया है। आंखों में काजल लगाने के बाद बारी आती है आईब्रोज की। तो अगर आपके पास आईलाइनर है तो आप आईलाइनर अप्लाई करो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप आई शेडो को इस्तेमाल करो, या तो आपके पास ब्लैक रंग का है या जो भी आपका आईब्रो, बहुत दो तीन तरीके के होते हैं, बहुत सारी महिलाओं दोस्तों का ग्रे शेड होता है, बहुत सारों का डार्क ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो उनके जो भी टेक्सचर होते हैं उस कलर से मिलता हुआ आप आई शेडो से भी आईब्रो का आप आकार दे सकते हो। उसके बाद आप नीचे में, मैंने फिर से बोला आपको कि आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए, आईब्रो के शेप को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए मैं मिलता हुआ मैं येलो कलर का आई शेडो लेकर मैं अपने आईब्रोज के नीचे फिर से इस्तेमाल कर रही हूँ फाइनल टच देने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मैंने अपने आंखों का आज मेकअप किया। आप इस तरह का मेकअप करके शादियों में भी जा सकते हो, या बर्थडे पार्टी हो, या सिंपल अगर आप रेगुलर आई शेडो यूज करते हो तो आप मार्केट भी जा सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है दोस्तों। मैंने आज अपने ब्लैक कलर के सूट के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखलाया कि आज किस तरीके से आई शेडो आप इस्तेमाल करते हो। मैं आपके साथ एक फोटो शेयर करूंगी जिसमें मैं ब्लू कलर का साड़ी पहनी हुई हूँ और उसमें मैंने किस तरह से आई मेकअप किया है दोस्तों। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आई मेकअप में मैंने आज आपको ये नहीं बताया कि आई लैसेस भी लगाने होते हैं आई मेकअप में। तो आई मेकअप के लिए, आई लैसेस लगाने के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, आप उसके लिए रेडी रहना, तैयार रहना। और वो देखने के लिए आपको मेरे ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। तो आंखों के मेकअप में एक चीज रह गया है, वो है आई लैसेस, जो कि मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक्सटर्नल आई लैसेस लगाकर अपने आंखों को और भी आकर्षित बना सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि आज मैंने किस तरीके से आई शेडो लगाने की प्रक्रिया बताई आपको। तो अगर आपका आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो भी सब्जेक्ट लेकर आऊँ उसे आप अच्छी तरीके से देख सके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।